अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज की वीडियो जो है वो हम इस चीज़ के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है जो गेस्ट पोस्टिंग में हमारी हेल्प आउट करती हैं, या एक बिगनर को कौन सी एक्सटेंशन अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल कर लेनी चाहिए जिससे वो कुछ चीज़ें जो हैं वो ईजीली फाइंड आउट कर सकता है। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर जाके देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है जो हमारी गेस्ट पोस्ट की फील्ड में हेल्प आउट करती हैं। यहाँ से मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया। कुछ एक्सटेंशन के मैंने नाम ऑलरेडी लिखे हैं, कुछ के मैं आपको बता दूंगा। SEO Quack, अब SEO Quack एक्सटेंशन का बेनिफिट क्या है या ये एक्सटेंशन क्यों यूज़ होती है? इसके बेनिफिट ये है कि ये एक्सटेंशन आपको जो है वो किसी भी वेबसाइट का रैंक बताती है। यानी जब हम क्लाइंट हंटिंग कर रहे होते हैं थ्रू कीवर्ड्स, या हम किसी भी ऐसी वेबसाइट को ढूंढ रहे होते हैं जिसकी ट्रैफिक कम होगी, तो ये वेबसाइट आपको उसका रैंक बताती है। ये ऑलरेडी ये एक्सटेंशन है जी, आप क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब किस तरह से ये वर्किंग है मैं बता देता हूँ जी। जैसे मैंने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, तो ये वेबसाइट यहाँ पे काम करेगी। अभी मुझे देख लेने दें। हाँ जी, ये देखिए, ये एक वेबसाइट है। अब मैंने देखना है कि मुझे लो रैंक वेबसाइट्स चाहिए जिनको मैंने एज अ क्लाइंट मैसेज करना है। लेकिन जैसे ही मैं इस वेबसाइट पर आया, मैंने देखा इसका रैंक कितना है, 686। अब जितना ज़्यादा रैंक होगा उस साइट की ट्रैफिक कम होती है। अगर इसका रैंक 686 है, इसका मतलब इसकी ट्रैफिक हाई है। यानी रैंक जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो ट्रैफिक कम होती है। अगर आपको 3 या 4 मिलियन रैंक वाली साइट मिले तो इसका मतलब है उसकी ट्रैफिक जो है वो 1000 से कम है। ये आपकी हेल्प आउट करता है वेबसाइट की ट्रैफिक को जज करने के लिए। इसके बाद लाइट स्क्रीन शूट, ये आपकी किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी जगह पर आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ गई है, तो आपका लिमिटेड एरिया को टारगेट करने के लिए लाइट स्क्रीनशॉट जो है क्रोम की एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप लिख दें क्रोम, तो आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। आप इजीली इसके ज़रिए जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने किस तरह स्क्रीनशॉट लेना है अभी हम यहाँ से ले कर देख लेते हैं। ये इस तरह का इसका पर ऊपर बना हुआ है लाइट स्क्रीनशॉट। जैसे मैंने इस पर क्लिक करना है, ये आपको एरिया टारगेट करने का कहेगा। यहाँ से सिंपल पकड़ें, एरिया टारगेट हो जाएगा और सेव के बटन पे क्लिक कर दें। आपका इजीली स्क्रीनशॉट इस एक्सटेंशन के जरिए ले लिया जाएगा। ये सिंपल वे आ जाए आपका स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस एक्सटेंशन से। इसके बाद अगली एक्सटेंशन है अपोलो। अपोलो का मैंने ऑलरेडी बताया, अपोलो जो है वो आपकी लिंक्डइन में इंस्टॉल होती है और ये एक्सटेंशन जो है आपको क्लाइंट की ईमेल निकालने के लिए हेल्पफुल होती है। इससे आप जो है क्लाइंट्स की ईमेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको मैसेजेस कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस एक्सटेंशन का लोगो आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपल आपको इस तरह ये एक्सटेंशन शो होगी। आप अपने क्रोम ब्राउज़र में इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। apollo.io इस एक्सटेंशन का नाम है और ये आपके क्लाइंट्स की ईमेल फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है वो है जी मोजबार। मोजबार एक्सटेंशन जो है वो भी आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन लगी हुई है जिससे आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट का DA क्या है या उसके कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं। सिंपल, ये ज़्यादा तौर पे यूज़ होती है DA को जज करने के लिए। अभी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगर वर्किंग में हो तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको इस जगह से, ये वर्किंग में नहीं है अभी, मैंने एक्टिव नहीं की हुई, तो यहाँ से सिंपल आपको इस वेबसाइट से यहाँ पे इसका DA भी लिखा आ जाएगा जब ये वर्किंग में होगी। यानी आपने मौज भी कर लेनी है। इसके अलावा आपको सैमरा जो है वो ट्रैफिक बताने के लिए यूज़ होती है। आप ये भी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है एक नो फॉलो एक्सटेंशन, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो लिंक लगा है आर्टिकल के अंदर वो नो फॉलो है या डू फॉलो। आप इस एक्सटेंशन को सिंपल जाके गूगल पे लिखेंगे नो फॉलो क्रोम एक्सटेंशन, तो आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये सारी एक्सटेंशन जो है वो आपकी पावरफुल हैं आपकी हेल्प आउट करने में। ये देखिए नो फॉलो, आपको क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगी। सिंपल, आप लोगों ने यहाँ से इस एक्सटेंशन को भी अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेना है। इसका लोगो ये लिंक बना है, जिस वेबसाइट पे आपको जो लिंक है वो नो फॉलो नज़र आएगा, ये उसको डॉटेड लाइन में कर देगा। इसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन में कि कौन सी ऐसी एक्सटेंशन हमारी रह गई है जिससे हम कोई और चीज़ चेक कर सकते हैं। अब मुझे अगर नहीं भी याद तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि क्या कोई एक्सटेंशन आप लोगों के लिए रह तो नहीं गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे Gmail एक्सटेंशन है जो रह गई है जी। Gmail जो है वो आपकी बल्क ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ होती है। इसका लोगो जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। Gmail क्रोम एक्सटेंशन, जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने ये क्रोम की एक्सटेंशन जो है ये नज़र आ जाएगी। आप ये एक्सटेंशन जो है
बल्क ईमेल सेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे आप एक टाइम में 50 बंदों को एक दिन में ईमेल सेंड कर सकते हैं। ये आपकी वो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस थी जो हमने आज के लेक्चर में देखनी थी कि कौन से ऐसे एक्सटेंशन है जो हमारी गेस्ट पोस्ट की फील्ड में ज़रूरत होती है जिसकी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्सटेंशन है जो SEO में यूज़ होती है, वो इंशाल्लाह हम SEO के कोर्स में विद इन डिटेल उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।